हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे राखी वाला मटर पनीर। हम उस राखी की बात नहीं कर रहे जिसे कुदरत ने जवानी में ही बुजुर्ग बना दिया था, जिसके कारण अर्जुन आज भी जाम में फंसे हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। सो आज का मटर पनीर हमने उन सिब्लिंग्स के लिए बनाया जिन पे आपको गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन आप उनकी माँ बैंड नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है गाली आपको ही लगेगी। सो हमने सिंपल सा प्याज टमाटर का मसाला तैयार कर लेना है, जिसके अंदर हमने ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं, और साथ ही में पनीर को हम दूध के अंदर थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। टोमेटो प्यूरी और कोरिएंडर पाउडर से एक बढ़िया थिकनेस मिलेगी हमारी ग्रेवी को। इस मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है और साथ ही में घर का पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे ताकि इसके स्पाइस कंटेंट को हम मेलो कर सकें और बढ़िया खट्टा मीठा फ्लेवर भी आए। अब ऑयल सेपरेट होने का वेट करेंगे और साथ ही में हमने पनीर भी उबाल लिया है और उसके साथ ही मटर को अच्छे से ब्लांच कर लेंगे, जिनको हमने ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो उनका रंग बदल जाता है। और बहनें होती हैं आपकी जिंदगी की ब्योमकेश बख्शी, जो आपके पल पल की खबर मॉम्स को जाके देती हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज जेलस कि आपको उनसे ज्यादा आजादी क्यों मिलती है। और भाइयों को पिटते हुए देखना ही है बहनों के लिए बेस्ट गिफ्ट। सो जैसा कि आपने देखा, मैंने मसाले के अंदर मटर के साथ पानी को भी ऐड कर दिया और अच्छे से पका लिया। अब स्लो आंच करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी को, साथ ही में पनीर और दूध ऐड कर देंगे और इसे स्लो आंच पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद इसे फाइनली फिनिश करेंगे ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर के साथ। और आज की रेसिपी हम उन स्कूल टाइम की जगत बहनों को भी डेडिकेट करेंगे जिनके नसीब में सिर्फ राखी थी, फ्रेंडशिप बैंड नहीं। सो भाई और बहनों, टीवी रिमोट की खींचतानी बंद करें और उस पे बटर वाले हाथ ना लगाएं और एंजॉय करें रेसिपी। एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग सुखी प्यार दी पुखी।